हेलो भाई, वेलकम बैक। माई सेल्फ मनीष मित्तल फ्रॉम सूरज सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़। इन माई लास्ट वीडियो आई स्टार्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। डियर स्टूडेंट्स, इन माई लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट वाई वी स्टार्ट बिजनेस। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि क्या डिफरेंस है कि भाई आप जो सोच रहे हैं कोई प्रॉफिट भाई सामान्य कैलकुलेशन से कोई भी व्यक्ति निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट क्या हुआ, लेकिन क्यों हम फिर हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों का डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा, बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुककीपिंग बड़े एक जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है, जबकि अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। तो मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ यहाँ पर बुककीपिंग और अकाउंटिंग का। बुककीपिंग स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग में चार चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिफाइंग, कि ये जानना बुक कीपर का पहला काम होता है, ये जानना कि क्या ट्रांजैक्शन बिजनेस की है या नहीं है। केवल बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन है उनको ही रिकॉर्ड किया जाता है, नॉन बिजनेस जो ट्रांजैक्शन उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज मेजरिंग, मेजरिंग अब जब आपने आइडेंटिफाई किया तो उसके बाद उनको मनी की टर्म में मेजर करना, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, केवल वो ट्रांजैक्शन से एम्प्लॉय ने स्ट्राइक की इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। गुड्स लॉस हुआ फायर से तो जितने का सामान है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग, उसके बाद रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड जर्नल के थ्रू आप उसको रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंट के अंदर जर्नल के थ्रू एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है, और देन आफ्टर क्लासिफाइड, इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम बनेंगे जर्नल, और लास्ट स्टेप हमारा आता है आइडेंटिफाइंग क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग के लिए हम लेजर बना रहे हैं। क्या बनाते हैं बेटा? लेजर। क्या बनाते हैं? लेजर बनाया जा रहा है। इज इट क्लियर? ये बुककीपिंग के द्वारा किया जाता है। अब है नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग। क्या होता है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग में तीन स्टेप किया जाते हैं बेटा। सबसे पहले स्टेप आता है समराइजिंग। समराइज करना। क्या समराइज करना? कि जो आपने लेजर बनाए हैं इससे आप क्या करेंगे, अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, जिससे कि आप रिजल्ट कैलकुलेट कर पाते हैं कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस। इसके अंदर आते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनेंस बैलेंस शीट, जो आपकी फाइनेंशियल पोजिशन को शो करती है कि आपके पास क्या एसेट्स हैं और कौन कौन सी लायबिलिटी का आपको पेमेंट करना है। ये बैलेंस शीट के जरिए और बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये इसके लिए किया जाता है। एनालाइजिंग, एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग क्या होता है बेटा? कि भाई अब आपने जो रिजल्ट निकाला है उसको एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब आप पिछले सालों के कंपेरेटिवली इस साल आप उससे ज्यादा कमा रहे हैं या कम कमा रहे हैं, क्या आपकी फाइनेंशियल पोजिशन चली है। और लास्ट स्टेप आते हैं कम्युनिकेटिंग।
कि बहुत सारी पार्टी बिजनेस से रिलेट करती है, जस्ट लाइक आपकी रिलेटेड पार्टी हो गई इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर एक्सेट्रा। ये बिजनेस की बहुत सारी पार्टीज होते हैं जो बिजनेस के रिजल्ट को जानना चाहती है, बिजनेस क्या प्रॉफिट या लॉस कमा रहा है, और उनको ये रिजल्ट कम्युनिकेट करना ताकि उनका फेथ क्रिएट हो बिजनेस के प्रति। तो ये यहाँ पर आपने देखा बुक कीपिंग के अंदर एक स्मॉल स्केल पर काम होता है, ये एक लार्ज स्केल पर काम हो रहा है। तो ये जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है और ये सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है। अगेन आई रिपीट द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में चार काम किए जाते हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। अकाउंटिंग के अंदर इसके बाद स्टार्ट होता है, क्लासिफाइंग के बाद। तो चार के बाद ये काम किए जाते हैं, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। कि जो एनालाइज समराइजिंग के अंदर हमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाया, उनसे रिजल्ट फाइंड आउट किए है। एनालाइजिंग के अंदर हमने पिछले सालों के कंपेयर हम रिजल्ट को इवेल्युएट करते हैं, और कम्युनिकेटिंग के अंदर जो डिफरेंट पार्टीज आपसे रिलेट करते हैं उनको हम अपने रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं कि मैंने क्या प्रॉफिट या क्या लॉस कमाया है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इफ यू अंडरस्टैंड इट देन लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।